तो नगर में आज तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, घर घर तिरंगा। आपको बता दें कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप देखिए कि हर वर्ष तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता है और सबके हाथों में तिरंगा, घर घर तिरंगा। जय श्री राम, 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 नेताजी, जय श्री राम। हाँ जी नेताजी, जय श्री राम, जय श्री राम। आज तिरंगा यात्रा के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए आह्वान के आधार पर जामेश्वर गिरा मंडल भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष और मंडल के महामंत्री और सभी पदाधिकारी, मोर्चों के सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता बंधु आज बड़े जोश और खरोश के साथ में इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर इस बात का संदेश देना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश के विकास के लिए जो बात रखी है और जिस तरह से कदम उठाए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के गिरवा मंडल के कार्यकर्ता भी पीछे नहीं हैं और बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला समय एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित होगा। इस बात की आकांक्षा, इस महत्वाकांक्षा और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ये बढ़ चढ़ करके तिरंगा यात्रा में भाग लेने लेकर के ये संदेश देना चाह रहे हैं कि एक भारत राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इस बात की कल्पना नरेंद्र मोदी जी के मन में आई, उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें जामेश्वर गिरा मंडल के सभी कार्यकर्ता बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा, इस कार्यक्रम में भाग लेकर के सफलता प्राप्त करें, धन्यवाद। तो घर घर तिरंगा यात्रा निकली जा रही है और बड़ी संख्या में, तो आप देख पा रहे हैं नगर निगम से जहाँ सैकड़ों की संख्या में हम उधर से चलते हो दिखाते हैं आपको, तो आप देख पा रहे हैं नगर निगम सुकड़िया, नगर निगम से सीधा दृश्य है जहाँ बड़ी संख्या में तो नगर में तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और सूरज पोल से होते हुए यात्रा रवाना होगी। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद है। सुबह सभी धर्म प्रेमियों ने बांग्लादेश हिंदुओं की रक्षा को लेकर ज्ञापन दिया। अब शाम को देश के प्रति समर्पण भाव रखते हुए ये विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। डीजे की झनकार के साथ, देश वतन के गानों के साथ देश प्रेम आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने तिरंगा यात्रा का जो हमें आह्वान किया गया है हर जिला मुख्यालय के ऊपर हर मंडलों से, ये तिरंगा यात्रा बड़ी जोश और खरोश से निकल रही है। हमारी भारत माता का ये श्रेष्ठ एक प्रतीक चिन्ह हमारा तिरंगा। कृपया आप सभी से निवेदन है कि महिला मोर्चा की जो बहनें हैं ये सबसे अग्रणी रहेंगी। ये जो आप सभी युवाओं से, ये जो तिरंगा है हमारा, हमारे हृदय स्तर का तारा है। आप सभी से निवेदन है तीन तीन लाइन की बदौलत, आप सभी से निवेदन है महिला मोर्चा आज हमारे सैनिक देश की सीमाओं के ऊपर अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए, आप सभी तीन दिन की लाइन में आए, आपसे निवेदन है को ऊंचा रखने के लिए आज हम हर व्यक्ति इस राष्ट्र महिला मोर्चा की जितनी भी नाम है और इस विश्व विजय सभी तीन दिन का क्रम बने, तिरंगा हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही इस भाव को लेते हुए आज हमारा हर व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति तैयार है और बाकी आगे कार्यकर्ताओं से निवेदन है आज पूरे देश महिला मोर्चा की सभी बहनें तीन दिन के साथ में एक बार बना रहे तिरंगा प्राणों से भाई एक साथ
उसको सारे घरों पर लगाने का आह्वान देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जो घर घर तिरंगा की यात्रा निकाली जा रही है, वाकई में बहुत खुशी होती है। यह तिरंगा नहीं है, यह हमारे प्राण से भी प्यारा जो हमारा ध्वज है, इसको लेकर हम आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मेरा सभी बहनों से कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर। उसके बाद मेरे उदयपुर शहर में कार्यकर्ताओं से निवेदन, कोई आगे नहीं आएगा। और तीन तीन की अपने एक बार में अपने कदार तय कर लें। बहुत ही भारत माता के और देश प्रति राष्ट्र के समर्पण भाव रखते हुए देखिए ये सुंदर यात्रा, घर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आप देखें कि किस प्रकार से देखिए हमारे पूर्व सभापति के जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमान हमारे तिरंगा यात्रा के प्रभारी के रूप में भाई तगत सिंह जी सक्तावत से निवेदन की कृपा हमें, फूल सिंह जी मीणा जी हमारे विधायक महोदय से निवेदन है कृपया आप आगे बढ़ रहे, और पीछे जो भी कार्यकर्ता आ रहे हैं यहाँ पर आगे कोई भी कार्यकर्ता नहीं आएंगे, न बीच में से बाहर निकलेंगे। जाने मन समागे एक बार थोड़ा सा आगे ले में एक ये बताते हैं। हेलो तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से उदयपुर में निकलने जा रही घर घर तिरंगा, और सभी प्रतिनिधिगण यहाँ मौजूद हैं, सभी तिरंगा यात्रा को नगर में निकालने वाले हैं। पूरे नगर जो है यहाँ सुशोभित हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, अरे हमारी सब बहनों से निवेदन है एक साथ आप तीन तीन की आप सभी ये कोई भी रेखा जी राष्ट्रभक्ति का ये जबरदस्त जज्बा है, इसको कहते हैं राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव कि किस प्रकार से सभी राष्ट्र के ये सभी भक्त अपने हाथों में ध्वज लेकर घर घर तिरंगा। सभी से निवेदन है कृपया अपने अपने मंडल में आगे बढ़ेंगे। यहाँ आगे मेरा निवेदन है सभी लोग सभापति जी जो साइड में खड़े हैं उनसे निवेदन है। पूर्व सभापति जिला अध्यक्ष महोदय देखिए किस प्रकार संचालन कर रहे हैं, किस प्रकार से ये होता है एक हमारे अपने लोकप्रिय नेता का ये होता है इस तरह से। देखिए नेतृत्व करता जितना नेतृत्व करता अच्छे होंगे उतना ही यह देखिए यहाँ पर उप सरपंच साहब रूपलाल जी भी यहाँ डाकर कोटड़ा से आए हैं, इन्हें चुने चेहरे जिनको मैं जानता हूँ। वाह हाँ जय हो। तो यहाँ से देखो ये इधर तो आप देखिए कि सोहन लाल जी किस प्रकार से देखिए कितने मातृशक्ति की यहाँ बड़ी भागीदारी है, और सभी देखिए बड़े स्नेह और के साथ जहाँ सुबह देश के हमारे राष्ट्र के हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश के प्रति गुस्सा फूटा था उनकी रक्षा को लेकर सब एकत्रित हुए। गोपाल जी पार्षद साहब आ चुके हैं नगर के हमारे बीच में। जी साहब क्या उत्साह ये भाई साहब, आज तिरंगा झंडा की ये रैली निकल रही है जो हमारे टाउन हॉल से होके बापू बाजार होके और ऐसे चेटक तक जाएगी। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पे सम्मिलित हैं जो एकत्रित होकर झंडा तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। हमारे सतनारायण जी भाई साहब भी हैं यहाँ पे। महिला मोर्चा के भारत माता की जय। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और बहुत ही जोश और उत्साह के साथ यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे प्रभारी जगत सिंह जी से निवेदन है कृपया तुरंत प्रभाव बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व पार्षद साहब। आप देख पा रहे किस प्रकार से यहाँ बड़ा जन समर्थन और हाथों में तिरंगे ही तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आहा क्या बात है। क्या मुस्कुराहट है, जब देश की बात हो तो सब देखिए चेहरे जो है खिल जाते हैं। किस प्रकार से देखिए हरी झंडी दी गई है और अब ये यात्रा जो है होटल जी निकल पड़ी है।
और एक बार खान जी गोल स्टार को थोड़ा आगे आने दे, बाकी आप तीन टीम की लाइन ही बनाए, आप सभी से निवेदन है। अभी तिरंगा यात्रा देशभक्ति का ज्वार उमड़ रहा है, देशभक्ति का ज्वार उमड़ रहा है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये देशभक्ति के लिए एक विशेष काम के लिए आए, और आज की परिस्थिति में कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसकी पूर्व संध्या पर बिल्कुल देशभक्ति युवाओं में कैसे आए, समाज में कैसे आए, इसके लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। और इस रैली के माध्यम से हम शहीदों ने जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान को दिया है उनको भी हम शत शत नमन करते हैं। आज आप देखिए इस रैली में महिलाएं हैं, उम्र दराज महिलाएं हैं, बच्चे हैं और सारे लोग हैं, उन सब के अंदर यह भाव जग रहा है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं मैं और बधाई देती हूं, और निश्चित रूप से यह सिर्फ बधाई देने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने कर्तव्य को और इस देश को अखंड रखने के लिए निरंतर प्रयास करना है, और एक रूप में हम एक राष्ट्र के रूप में खड़े हों, बस यही मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ। छूत मन के भेदभाव को हटाकर यह देश मेरा है, यह भारत मेरा है, यह माँ मेरी है, इसके लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए। बहुत पूरे देश में, बांग्लादेश में जो नरसंहार हिंदुओं का हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ पूरे देश भर में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, और हर व्यक्ति दुखी है कि हमारे इस बांग्लादेश में रहने वाले भाई और बहनों की इज्जत भी बच नहीं रही है, और वो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। उनको सुरक्षित और अपने देश के अंदर सम्मान से रहने के लिए हम सब उनके साथ खड़े हैं, यह एहसास दिलाने के लिए हम सब लोगों ने एक आक्रोश रैली निकाली है। इस अवसर पर मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वह बांग्लादेश में अपने हमारे हिंदू भाइयों को और उनके परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए जो नई सरकार बनी है उसको बाध्य करे और उसको चेतावनी दे कि यहाँ लोग सारे सुरक्षित रहने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व सभापति रजनी जी डांगी, जो कि आप पहले महापौर रहे हैं उदयपुर के, आपके विचार स्मरणीय हैं, आप एक अच्छे चिंतक भी हैं, एक अच्छे राजनेता के रूप में भी हैं। मातृशक्ति की यहाँ बड़ी भागीदारी है, आप देखो सुबह यही चेहरे देशभक्ति का प्रमाण दिया था, देश की एकता और अखंडता का दिया था, हिंदुओं की रक्षा को लेकर दिया था, और अभी जो है राष्ट्र के लिए सबसे आगे आए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखो यहाँ प्रेम मित्रता एकता का तस्वीर है। हाँ 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 देखो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, गाना चलाओ, वंदे मातरम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो विशाल ये तिरंगा रैली निकली, देखिए आप, देखिए कितना बड़ा ये हमारा उत्सव है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। हाँ सब देखिए अलग अलग, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गाना एक बढ़िया छोटा गाना, एक गाना उन्हें दो, दिल दिया है जान भी देंगे, दिल दिया है जान भी देंगे। भगवान अपने
भारत माता रो ये देर है वीर देर देश है वीर जवान देश है वीर जवानों का अलवेलों का मस्तानों का मेरे देश के यारो आप सभी देखें यहाँ पर सभी चेहरे मुस्कुराते हुए हंसते हुए देश के राष्ट्र के प्रति बाहर देखा जय श्री राम जय श्री राम प्रताप की जय राणा प्रताप की शिवा की जय जय राणा की जय जय शिवा की जय जय राणा की जय 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 हो भारत माता की जय। देखेगी जिस राष्ट्र के भारत माता की जय प्रकार से आज नगर में ये घर घर जो तिरंगा यात्रा की रैली निकल रही है और आप देख रहे हैं कि यहाँ नगर के हमारे ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मेरा साहब भी यहाँ मौजूद है। सुबह हमने देश की सुरक्षा को लेकर बात की थी और अभी राष्ट्र की उन्नति के लिए हमने जय श्री राम वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय भारत माता की आज हमारा उदयपुर का सौभाग्य है कि हमेशा की तरह आज भी 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर तिरंगा रैली हमारा युवा मोर्चा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के हरावल दस्ता के रूप में सारी की सारी उदयपुर की रोडें जाम हो गई और युवाओं में इतना उत्साह है। साथ में जो बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है हमारा हिंदू हिंदुस्तान के अंदर जग गया है और प्रशासन को चेतावनी भी दे दी है कि आप बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल कीजिए नहीं तो हमारा हिंदुस्तान का एक एक हिंदू बहुत ही आक्रोशित है। इसलिए हमारे हिंदुओं का अत्याचार बांग्लादेश में हो चाहे बंगाल में हो कहीं पे भी कोई सहन नहीं करेगा। इसलिए हमने हमारी सरकार को ज्ञापन देकर हमने हमारी मांग रखी है कि हमारा हिंदुस्तान हिंदुओं के साथ में है और 46 के अंदर हमारा पुनः वैभव पर पहुंचेगा भारत। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश को हमारे हिंदुओं पर अत्याचार बंद कर देना चाहिए नहीं तो हिंदुस्तान में भी ऐसे विद्रोह होगा तो इसको कौन झेलेगा और कौन मनाएगा। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से सभी से आग्रह करता हूं कि हमारा हिंदू जगे और हमारा हिंदुस्तान में हिंदुओं की रक्षा करे। धन्यवाद। आप किस प्रकार से देखिए यहाँ पर पूरी तिरंगा यात्रा में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से हमारे पूर्व सभापति जी और जिलाध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली जी किस प्रकार से यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं पूरा और सभापति जी के कार्यकाल में भी एक हिंदू धर्म को बढ़ावा मिला था आपके कार्यकाल में हिंदू धर्म की काफ़ी रक्षा की गई है और बहुत ही सराहनीय कार्य आप द्वारा किए गए हैं। भक्ति का जागरण आपके कार्यकाल में हुआ और उसी की ये आप देख रहे एक झलक जो देश के समर्पित भाव से सभी आज हजारों और लाखों की संख्या में युवा हाथ में तिरंगा थामे हुए हैं तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये विशाल यात्रा दो दो के रूप में बढ़ने वाली है और लंबी ये यात्रा होने वाली है तो दो दो की यात्रा यहाँ से होने वाली है। देखिए सबके हाथों में ध्वज है बड़ी सुंदर और मार्मिक तस्वीरें हैं भक्ति भाई और सोहन जी और सोहन जी भाई साहब सरपंच प्रतिनिधि पुरुष जय श्री राम जय श्री राम।
राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव पूर्व सभापति युधिष्ठिर जी कुमावत साहब गाड़ी में देखिए आराम से और बहुत ही खूबसूरत भाव से। देखिए नीचे आप देखिए युधिष्ठिर जी कुमावत साहब स्वयं यहाँ नेतृत्व कर, जय हो जय माता जी। कालू जी क्या बात है, हाँ जय हो, बहुत फर्स्ट क्लास है, लोगों में बहुत गुस्सा है और एक देश आज़ाद हुआ है इस निमित्त जो लोगों में मोदी जी के प्रति जो भावना है उससे लगता है कि देश में परिवर्तन हो रहा है और जो उनका संकल्प है 47 का वो लक्ष्य है। निश्चित तौर पर सभी कार्यकर्ता उनका लक्ष्य को मजबूत करेंगे और विकसित भारत बनेगा। जय हिंद जय भारत। अब देखिए राष्ट्र के प्रति यहाँ भावना देखिए सभी की, सभी भाव विभोर होकर देश के समर्पण भाव के साथ डीजे की जनकार के साथ ये यात्रा, ओह क्या बात है, सभी का देखो यहाँ भाव देखिए, सभी बड़े भाव के साथ डीजे के जनकार का साथ जो है ये पूरी यात्रा निकल रही है। हजारों की संख्या में जन समर्थन याद मौजूद है। राजा राम जी हमारे बीच में, जय हो। देखिए सभी बुजुर्ग क्या युवा क्या सब यहाँ मौजूद है और डीजे की जनकार के साथ ये देखिए आप, जय हो। तो ये थी उदयपुर नगर में तिरंगा यात्रा जो धीरे धीरे वृद्धि होगी, आगे के दृश्य हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य, हाँ सभी देश के वीरों जवानों को नमन करते हुए और देखिए हमारे पुलिस जवान भी यहाँ मौजूद है, बड़ी संख्या में नागरिक घर से बाहर निकले हैं और घर घर तिरंगा। और पीछे पीछे देखो हमारे अंबालाल जी पूरा जेट सुविधा लगा रखी है, कहीं कमी नहीं है, हाँ पीछे पीछे और गाड़ी बड़ी है, पूरी काफिला लगा रखा है। तो ये थे हमारे अंबालाल जी जिनका प्रेम मित्रता रहती है। तो धीरे धीरे देखिए और भी ये यात्रा बढ़ती जा रही है और स्लोली स्लोली सब धीरे धीरे कार्यकर्ता जो आ रहे हैं। उदयपुर से ये बड़ी खबर है जहाँ तिरंगा यात्रा निकाली गई है, पूरा नगर भारत माता की जयकारों के साथ गूंज उठा है।